तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अभी की इस वीडियो में बात करने वाले एल्विस यादव एंड कृति मेहरा के बारे में। दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार एल्विस यादव एंड कृति मेहरा के फैंस को पिछले काफी टाइम से था। दोस्तों फाइनली एल्विस यादव एंड कृति मेहरा ब्रेकअप के बाद एक साथ एक ही फ्रेम में नजर आए। दोस्तों दरअसल बात कुछ ऐसी है कि नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में YSCL का एक टूर्नामेंट चल रहा था, उसी दौरान एल्विस यादव एंड कृति मेहरा दोनों ही चीफ गेस्ट थे। एंड दोस्तों दोनों ने ही अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल करके बताया था कि दोनों कल स्टेडियम में पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद दोस्तों सभी लोगों के मन में यह सवाल था कि जब एल्विस यादव एंड कृति मेहरा ब्रेकअप के बाद पहली बार एक दूसरे के सामने आएंगे तो वहां का नजारा क्या होगा। तो दोस्तों मैंने उस वीडियो की कुछ क्लिप्स आपके लिए ढूंढ करके लाई है जब एल्विस यादव एंड कृति मेहरा एक ही फ्रेम में नजर आ रहे थे एंड एल्विस यादव के पीछे कृति मेहरा बैठी हुई थी, तो उसकी कुछ क्लिप्स आप लोग यहाँ पे देख लो। मिस्टर एल्विस यादव, एल्विस 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 रेवोल्यूशन आपने जिसकी बात करी, दिस वॉज द रेवोल्यूशन एंड आई थिंक इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर एंड ऑल्सो एंड सेंसेशन पर्सनलिटी ऑफ नन अदर देन मिस्टर एल्विस यादव। अभी आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, अजय भाई आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, तो ये सब लोग ने जो स्वागत किया है आप सबका। जी अर्षित, और चलिए इस बॉल के बाद उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से, और जब आपने शुरू किया कुछ अलग प्रश्न हुआ करते थे, कुछ चैलेंजेस थे, और उसी प्रकार के चैलेंजेस क्रिकेटर्स के सामने होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बट YSCL एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। तो आप YSCL को किस प्रकार से, इस इनिशिएटिव को जो राहुल अरोरा सर ने लिया है, उस इनिशिएटिव को किस तरह से धन्यवाद कहते हैं या फिर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफी अच्छा लगा मेरे को देख के कि IPL के अलावा भी एक भाई ने प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे एल्विस यादव एंड कृति मेहरा एक दूसरे को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए नजर आए, लेकिन एल्विस यादव के दोस्त लक्ष्य ने जाकर के कृति मेहरा से हाथ मिलाया एंड उनसे बातें भी की। तो दोस्तों एल्विस यादव एंड कृति मेहरा के फैंस को ये देख करके काफी ज्यादा दुख हुआ हो कि दोनों एक ही फ्रेम में एक ही साथ थे लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। मतलब दोस्तों लगता है कि उनके बीच में कुछ ऐसी घटना हो चुकी है जिसके कारण वो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते हैं। एंड दोस्तों एल्विस यादव से पहले कृति मेहरा वहां पे पहुंची थी, तो उसका कुछ उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियोज भी शेयर किया था, तो उसके कुछ क्लिप्स आप लोग यहां पे देख लो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, यहां बैठो। हेलो, सही है, सब सही, आप सही हो ना? ये होगा आपके फैंस का प्यार, और यही तो चाहता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। क्या बात है भाई, चले कुर्सी पे नहीं आ रही है भैया, कौन चल ले साइड हो, जरा साइड हो, जरा मेरा खड़ा हो भैया, नाम निकालो बैक। दोस्तों जिस तरह से एल्विस यादव एंड कृति मेहरा एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे, उसको देख करके एल्विस यादव एंड कृति मेहरा के फैंस को आज काफी ज्यादा दुख हुआ होगा। एंड दोस्तों मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में भी कभी अब एल्विस यादव एंड कृति मेहरा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आएंगे। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो अभी की अपडेट होती है यहीं पे समाप्त। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।